आज मैं भारती गणपाल भाई एक दिन आ दूध म्यार हवाले कर दे, मैं तुम तक कुछ बढ़िया मिठाई बनो बना खिलो दगड़ो रसगुल्ला पक्की बढ़िया किले की पकड़ा के बाद ये बैठ जाने दगड़ो। ये हो गया चटनी छाछ और ये ना मिला सवाल था आज बना रही भारतीय आलू का परोंठा। तो दगड़ो गुरु मटाक बने छो आलू थी चुन दगड़ बोड़ भी धरी छी मेरा उत्तराखंड भाई बहनो आप सब उत मेर से वसौली आप सब उत मेर सादर प्रणाम दगड़ो के हाल चाल से आप सब होगा उम्मीद करूँ सब लोग बहुत बढ़िया होला। तो भाई बहनों में सुशील पौड़ीगढ़ वाला गुरू का ब्लॉग और कोल्ली तली गाँव मटी लेकर आई हुई आप सब लोगों को फिर से गढ़भूमि दर्शन पर एक नए गढ़ वाली ब्लॉग। तो दगड़ो आज फिर से छोड़े नहीं छाछ और आप लोगों का पिछली बार कॉमेंट चाहिए कि गाड़ूं दे ये पर्यन छाँच किले नहीं छोड़ा। तो दरअसल छाँच छोड़ना कम ही उन किले की गोड़ू दूच तो बच्चों ही पूरे जान अरे गाड़ूं क्या होंगे कि अगर रोड चलांदा घाड़ पर खट लग गया ये तो पूरु फैले जानते हैं वगैरह और जो लकड़ा का पर्या होंगे शाही तो कई दिन बनने शाही तू का पर चलान बिल्कुल खत्म हो गया। तो इले काम चलाना हण अब इन्नी प्लास्टिक की बल्टी नहीं भी नवनी पर चिपके नहीं मतलब बीच मा जान बढ़िया और सक्षम भी आजकल दिल्ली से थोड़ा दूध बच जानू था छाछ छोले नहीं ना तर हम अमूमन छाछ छोलता नहीं सवा। तो दगड़ो चाह पिएगी गोर बकरू में जाना सवा दगड़ो आ गया गोर बकरू दगड़ अपना शानदार डांडू। तो अब कम से कम 3-3.5 घंटा बिल्कुल ठंडे है वो खाना और ये एकांत में रहने एकदम
पल छोड़ बठकारी यख बखरची। अब ये छोया था ये जो यख माणो जो यखा नाम ही छोया पाक छ। तो ये था डेढ़ महीने से उबे गया लेकिन यू तेज तेज हूँ लेकिन कम नहीं होना। बरखा बहुत होनी छ तो डायरेक्ट तो धुआं होनी छ इले मैर दया मटी छिल्ली रहन। दगड़ो आज बना रही भारतील आलू का परोंठा अचार अच्छा दगड़। दगड़ो चल रहा सब दया और आज डांडा का थोड़ा बहुत ही नज़ारा छाए फिर ऐथरक वीडियो ध्यान कंटिन्यू कला। माकी सबसे पहले पीना ही लून मर्च मागी छाछ जो कि हंट कंट खुल है। दगड़ो ये हुई है चटनी छाछ और ये ना मिलाना सो ये था छाछी मेल नई रन चल मिली वो बड़ी शानदार हूं पीना। तो दगड़ो गुरु मटाक बनो छो आलू थी चुन दगड़ बोड़ भी धरी छी तो बड़ो स्वादिष्ट हो। गुड इवनिंग भाई बहनों अब सामगत आ गई मैं किचन में तो आज भी कुछ खास बनाना हो आप लोग को दगड़ शेयर करना हो तो आजकल दूध थोड़ा बच जाऊँ ज़्यादा तो भारती भी छाँच वाँच फलने छाँच बराबर आप लोग देखने वाला तो आज मैं भारती गणवाल भाई एक दिन दूध म्यार हवाले कर दे मैं तुम तक कुछ बढ़िया मिठाई बनो बना खिलो दूध बनाना मिले और भाई घ्यू नौन दहे आजकल आजकल के दहे वगैरह तो हमेशा ही रहना
तो मैं बनाने वाला हूँ रसगुल्ला सफेद वाला। उससे पहले बनाना चाशनी, तो मैं जद का पैन ले रहा उद गई है मैं चिन डाल रही उद गई जद का चिन नहीं चाई उद गई पैन डाल दल। अब मैं तो मिलूँ चित का दूध, तो ये मिल विनेगर मिलाया तो यू जर जर का एक डाल ना एक दगड़ नहीं डाल और दूध थोड़ा हल्को गुनगुन कर ज़्यादा तेज कर ला तो ये ले खट्टू है जाना। बाहर से बना मट गया ना सब्जी दूध फट गया ही। और सफ़ेद रसगुल्ला हमेशा गोड़ा दूध का या फिर टोंड दूध का बन दी फुल क्रीम दूध या भैंसा दूध का बढ़िया नहीं बनता। और इन्हें बने तैयार हो गया हमारी चाशनी। तो यू कड़े में लीले बना रहा है बताओ किले की ये ना भी रसगुल्ला भी पकानी तो कड़े तब जरा ठीक रहे। ईद का पनीर निकल गया ही कम से कम 300-400 ग्राम जो। तो ये मिलान मिलावा बेकिंग सोडा और 2-3 चम्मच मैदा। तो दगड़ो ये था ही पहल मिल स्मूथ करना हाथे लिल रगड़ी का यून। दगड़ो बहुत जरूरी रहन बेकिंग सोडा पर ज्यादा भी नहीं धरण पड़ो न थरियो फट भी सकती। एक मिल डो बना के तैयार कर आला और देख सकते हो कत का एकदम मक्खन बनी जो बढ़िया। तब मैं लेकर तोड़ी पेड़ा और यूं तो पहले गोल कर देना तब तक चाशनी ऑन करेगी ताकि उमलन बढ़ जाए। दगड़ो यू है कि सब तैयार और यू कुछ छोटा बना रही मिले यू कुछ बड़ा तब यूं ले पकड़ा के बाद डबल होने से। तो दगड़ शुरुआत करूँ छोटू से ही तो ये भी एक है दगड़ ज्यादा नहीं डबाना चाहना एक एक कर एक डबे नहीं क्यों तो बिल्कुल छड़ उड़ नहीं चाह और यूं मैं एक साइड बटी ढक्का दे दें ये तो खुला। भारतीय खाना तो हो गया तैयार और मैं और थोड़ा लेट हो गया तो भाई साहब खाना चाहिए नहीं बच्चा सब भितरी चाहिए तो खाना मन भितरी ले जाए तो ये हम तो कम से कम आधा घंटा लगा हम तो देख सकता वाह कड़े पूरी भरे गए। तो अब ये मिलो चलाना जरा ताकि यू पलटे जी जो ताला का मच्छी ये ताला का मत हो जी और मथे का ताव घ्यू हमेशा पिंगू ग्रहण। तो अगर कोई तुम थे गाय घी बोली सफेद घ्यू दिन फट से पहचान जाएगा रखे ले कि यू घ्यू घर का बड़ा गोड़ उगच और यक कोई मिलावट छे नहीं एकदम पिंगुल चु घ्यू एकदम पिंगल दमकार दानादार। तो बैठ जो भी हम बन जाल जल्दी से जल्दी अभी 15 मिनट तो ही 15-20 मिनट पर अब और सी दगड़ो जन जन पकड़ू रहे ना ये मुन्नो ने जर्जर कर एक पैन भी डालना पड़न किले की चाशनी गाढ़ हो जाली तो तयू प्याट ढंग से नहीं बैठन वाली। दगड़ो रसगुल्ला पक्की बढ़िया किले की यू पकड़ा के बाद ये बैठ जाली बहुत अच्छा बन रही है। अब यूं तो ये थोड़ी देर इन्हें रेस्ट करने देना तो यूं तो अब हमें चाहे 1 घंटा बाद खुला चाहे सुबेर खुला थोड़ा बढ़िया मतलब टाइम लग च लेकिन बड़ी आसानी से बनी मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगी उनकी इनकारा उनकारा तो यूँ रेडी हो गई। अब खाना चाहो मी और भारती भी खाना बच्चू ला सुनील खाना खाया ला वो चल गई भीतर खाना पीना खाया ला और भीतर आ गया अब तो अब हो गया हमारा रसगुल्ला एकदम तैयार बहुत टेस्टी बहुत अच्छा बना है। दगड़ो यू टाइम रहे ना अब अपड़ा भी और अपड़ा दगड़ू का भी मतलब जद का लोग हमसे जुड़े हैं जी सब का ब्लॉग वगैरह शॉर्ट्स वगैरह सब लोगों के देखने को। तो दगड़ो आज एक ब्लॉग उम्मीद गई उम्मीद से कि आप था यू ब्लॉग जरूर पसंद हो लो और पसंद आए तो प्लीज एक लाइक एक शेयर
और एक कमेंट जरूर करा। आप सब थे मेरे एक बार फिर से सेवसौंदी, आप सब थे मेरा सादर प्रणाम। बाय बाय दगड़ो, जय दीप भगवती, जय बद्री विशाल।